आपकी सुबह हो गई? संडे था अम्मा, संडे था। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मैंने ये पैकेट बना के रखे हैं, पुलाव बनाया था और ये देखो ये सब पैकेट बना के रखे हुए हैं, अब बस बांटने। ओ, ये वो रबी अव्वल के लिए? पता नहीं क्या रबी अव्वल पता था, मैं आज बहुत लेट उठा, इंतजार कर रही हूँ। उठोगे उठोगे थोड़े से, तो मैंने मोहल्ले में तो मैंने मुमेरा को भेज के करवा दिए, भिजवा दिए। अब ये सब देके रहो, जाने पहले रास्ते में से देते हुए चले जाओ ना। नहीं, 6:30 बजे मुझे पहुंचना है ना, अभी नहीं आके 7 बजे पहुंच जाऊंगा। साथ लेके चले जाना दोनों में, अन्या ने पढ़ना है ना, अन्या नहीं जाएगी। अच्छा, फिर आप चले, मैं चला जाऊंगा। जल्दी करो फिर, देर है क्या? बनाया क्या? चिकन पुलाव बनाया है, ये तो बस थोड़ा सा घर के लिए रखा है, देखो बस ये रखा हुआ, बाकी सारा तकसीम कर। ये कौन सा वाला? वो पुलाव बिरयानी वाला है या वो वाला पुलाव? घर वाला सादा पुलाव है। कौन सा? जो सादा पुलाव होता है वो है, पुलाव बिरयानी नहीं है। चने तो नहीं डाले? नहीं, चने नहीं डाले, डाले थे बस। मैं अम्मा को बोल रहा था कि चने वाला पुलाव ना मैंने नहीं खाना, तो अमरेली चने नहीं, मैंने चने और चिकन वाला बनाना था ना, मुझे पसंद है, लेकिन वो बस रात को ख्याल ही नहीं रहा, तो अब चिकन का ही बन गया आपकी पसंद का। तो जल्दी करो, जल्दी जल्दी सारे काम करो। पहले मैं जिम से आऊँ फिर मैं करता हूँ। गाइज, ये आपको BTS दिखाते हैं निकित्स किचन का। तो ये देखें, ये पीछे लाइटें लगी हुई, ये लाइट है, और यहाँ पे हमने रेसिपी भी इसी पुलाव की रेसिपी भी डाली है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में लग जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अम्मा का चैनल है निगित्स किचन, टाइप करें, जाएं, सब्सक्राइब करें। अम्मा बड़ी खुशी होती है। हाँ जी बिल्कुल, और ये कि आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जो हमें इतनी बढ़ावा मिलता है आप लोगों की वजह से, आप लोग पसंद करें। डैडी बुला रहे हैं। आज मज़े की बात है, आज मैं उठा ना, मैं कॉफ़ी बना रहा, तो डैडी को ग्राइंडर की आवाज़ है, तो डैडी मुझे बोलते हैं कि यार वो एक कप मुझे ही बना दे। मुझे ना इसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज यूजुअली डैडी कभी बोलते नहीं है, एंड डैडी डजंट लाइक कॉफी। पता नहीं डैडी को जागना था या क्या, फिर मेरे से आगे क्रीम श्रीम इसमें डालते हैं। डैडी क्रीम नहीं होती, वो फ्लेवरिंग्स होती हैं, तो वो मॉर्निंग की। फिर मैंने उनको फ्रेंच वनीला डाल के दिया, तो इंप्रेशन बन गया। पहले उनको लग रहा था कि ऐसे ही बस ऐसे फारिक सी कॉफी बनाते हैं, लेकिन नहीं, डैडी आपका बेटा बरिस्टा बन चुका है, लेवल की कॉफी बनती है, कैफे लेवल। जिम जाने से पहले जरा मगरिब का टाइम हो गया, तो जरा मगरिब पढ़ लेता हूँ। यार बड़ा अजीब सा आज दिन था, आज सोता रहा हूँ आज पता नहीं क्या हो गया, एंड सरप्राइजिंगली आई वोक अप अराउंड लाइक 2 PM 3 PM एंड इट वॉज वियर्ड। आई यूजली डोंट वेक अप दैट लेट, और जब इतनी लेट उठता हूँ ना, तो फिर सर में दर्द होता है। तो सोचा था क्या मसला है, फिर फिगर आउट किया कि अच्छा, तो लेट इसलिए उठे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे। एंड हियर कम्स द कल्प्रिट। कल्प्रिट नो गाइस, बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, अ वेरी 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 वेरी, मैं बहुत ही निब्बी साउंड कर रही होंगी, बट अ बिग शाउट आउट टू माय वेरी वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, बिकॉज कल जब मैं पढ़ रही थी तो आई वाज वेरी श्योर कि मैं जो कैटेगरी ख़त्म करना चाह रही हूँ वो नहीं होगी, एंड इट सीम्ड इम्पॉसिबल बिकॉज आई वॉज ऑन आई थिंक 30 or 40, और मुझे 117 स्लाइड्स करनी थी, और मेरे बिल्कुल दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा था, एंड इट वॉज लाइक 12 AM। दिस गाय सैट बिसाइड मी ऑन द डाइनिंग टेबल, मेड श्योर आई डिड ऑल द स्लाइड्स, यॉन्ड लाइक 30 times, ही वॉज सो स्लीपी, बट स्टिल सुबह 4 बजे मेरे साथ सोया, जस्ट सो आई कुड गेट माई वर्क डन। आज टाइम पे कर लेना प्लीज, थोड़े से चावल देना, मैंने जिम जाने, स्पोर्ट्स खत्म हो गए, मुझे याद भी नहीं कराया। जल्दी देना प्लीज। बिरयानी दूं कि पुलाव दे दूं? नहीं नहीं, पुलाव पुलाव थोड़ा सा, 150 ग्राम चावल, और बाकी चिकन मैं खुद दे देता हूं। बेटा नहीं है, वाली हूं। चले वो इतने चिकन से गुजारा चलाते हैं। सो इट्स 129 ग्राम्स। फोन जोड़ो यार, फोन जोड़ के पढ़ो ना, ये दिल भर जाएगा। आपके लिए लेग पीस रखा है मैंने उसमें। हाँ, मेरी बारी में लेग पीस कहाँ गया? वो मैंने अनिया के लिए रखा है। हाँ लगे मासी भाई, ठीक ठाक आप सुनाए? कहाँ जा रहे हैं जी? नहीं जिम जा रहा हूँ, राजू मुलाकात होती है। I'm done with my sparring session and घर जाने से पहले मुझे अभी याद आया कि मैं काफी दिनों से एस्प्रेसो का मग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। मैंने आई डोंट थिंक कोई क्रॉकरी का स्टोर छोड़ा है, एक्चुअली बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में गया हूँ, बट वहाँ पे एस्प्रेसो का जो साइज होता है मेरा अराउंड 60 ml, लेकिन बिल्कुल छोटा सा कप होता है, ग्लास मिल जाते हैं, कप नहीं मिल रहा। सारे मुझे बोले थे G9 से चेक कर लो, तो मैं G9 आया हूँ। यहाँ पे जरा देखते हैं क्रॉकरी स्टोर में, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। यार ये तो किस्मत ही खराब है, ये बंद है। अब मुझे ये नहीं पता कि दोबारा कब लेने का टाइम भी मिलेगा, क्या करें। क्योंकि
क्योंकि मैं घर बहुत लेट आया, अम्मा ने ऑलरेडी डांट दी है, काफी डांट भी पड़ी है, बट बहुत भूख लग रही है। बाहर जरा खाना खाने चलते हैं, क्योंकि खाना तो घर पे है ही नहीं, और अब जो पुलाव है उसके मेरे को चिकन ही नहीं है, बाहर से खाना पड़ेगा। ओए गुड बॉयज, क्या ये भी फ्रेंडली हो गया है? थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया, उसकी दो मिल रही है। भूख लगी थी, नैंडोज आ गए, क्योंकि इनको नैंडोज खाना है। झूठे इंसान यार, असल में मुझे कुछ भी खाना होता है ना, तो आई ब्लेम इट ऑन हर, लाइक तुम्हें खाना है इसलिए हम जा रहे हैं। असल में अंदर से चॉइस मेरी होती है, जब मुझे भूख लग रही होती है ना, पहले भूख से पहले मैं होता ही हूँ, जब मुझे भूख लग रही होती है ना तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सो जाता हूँ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, विदाउट एग्जैजरेटिंग, मैं नहीं के साथ कहीं भी जाता हूँ ना, दिस इज माई प्रॉब्लम, मैं बस डाउन हो जाता हूँ। दैट इफ यू सी मी पब्लिक, बहुत छोटा दिल है हमारा, तुम्हारा थोड़ा सा चिकन मैंने खा लिया, मेरे मैक्रोस खराब हो गए, सॉरी मेरा छोटा दिल। डैडी ने कुछ दवाइयाँ मंगाई थी, यहाँ ले लेते हैं। सो वी आर हियर एट मारूफ फार्मेसी, दिस इज दी ओनली 24/7 फार्मेसी दैट आई नो ऑफ। आधी दवाइयाँ मिल गई, आधी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी नजीब फार्मेसी से, इसकी बैक साइड पे यार, नजीब नहीं, नजीब फार्मेसी जाना पड़ेगा। बाकी नहीं दवाइयाँ थी, पता नहीं, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें दवाइयाँ और भी मैसेज कर रही हूँ, ले आओ प्लीज। यार ये जो नजीब मार्ट है ना, फार्मेसी एक्चुअली इन F10 मरकज, इससे हमारी बड़ी एक इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, F10 मरकज में जहाँ पे किचन कुजीन है, सो वो किचन कुजीन होता था वहाँ पे, ये जहाँ पे नजीब मार्ट अभी है, यहाँ पे हमारे एक दोस्त का होता था स्टोर। तो वो एक ऐसा बंदा है जिसका ना स्टोर से एक बड़ा गहरा कनेक्शन है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स में, कुछ पहले पहले वाले ब्लॉग्स में वो था। तो अली भाई, अली भाई अगर आप देख रहे हैं, तो यार ये अली भाई का स्टोर होता था, तो वो बंद हो गया और अली भाई शदीद डिप्रेस हो गया। मैंने अली भाई को कभी उदास नहीं देखा, मतलब वो कहता है ना बस अली भाई अपनी मस्ती में चलते रहते थे, लेकिन अली भाई का स्टोर बंद हुआ ना, अली भाई ने मुझे बोला बलोच साहब ये जो स्टोर है ना ये मेरा इश्क था, तो जब अली भाई का स्टोर बंद हुआ ना तो हमें दिल से बड़ा दुख हुआ। फिर अली भाई का स्टोर कहीं और हो गया, अली भाई का दिल नहीं लगा, आज भी जो अली भाई का दिल है वो इसी स्टोर में है। तो हमारी बड़ी यादें हैं इस वाले स्टोर से, मंदिर जाते थे अली भाई बैठे थे, हम कहते थे अली भाई चले, रुको मैं खोलूं, क्या कह रही थी, सॉरी सॉरी व्हाट, आपको भी अंदर आना है, कर दिए अम्मा, मम्मी का टिंकू, मेरा मिंकू, देखो पाए हमारा बक्कू है ना, इतना पॉलर, इतना पॉलर, देखो हमारा कारपेट पसंद आ गया, अब बक्कू यहीं पे सोता है। I don't think we need to get a bed for him. Yeah, because you have a carpet. टर्किश कारपेट मिला हुआ बक्कू को, टर्किश कारपेट, इसका ये जो दो तीन दफा बोलो, जब इसको गुस्सा चढ़ता था ना कि मुझे नहीं जाना, ये आगे से भौंकना शुरू करते थे और एक्सटेंट के बाइट करने के लिए आ गया था, लेकिन ऑफकोर्स मुझे काटेगा नहीं, बट स्टिल लाइक ऐसे करता है, बहुत ज्यादा भौंकना स्टार्ट कर दिया, एंड डैडी एकदम से आ गए, डैडी से बहुत डरता है। डैडी ने एक दफा इसको चीख के बोला, ये वहीं पे चुप, हमसे तो नहीं, हमसे तो नहीं डरता, हमसे तो नहीं डरता, माँ बेटा की मोहब्बत तो देखो, किसी मजे से लेटा हुआ है, तो इतना पॉलर देती है ना। निगहस किचन की लेटेस्ट चिकन बिरयानी रेसिपी देखें, हिट वीडियो चल रही है उनकी, फेमस चिकन बिरयानी। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, किसी को कोई अम्मा को जानता हो या ना जानता हो, अम्मा की बिरयानी को जरूर सब जानते हैं। इतनी नेक्स्ट लेवल रेसिपी बिरयानी है ना अम्मा की, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो अम्मा के चैनल पे जाके देखें, माइंड ब्लोइंग रेसिपी। अम्मा जैसे कैसे भौंक रहा था मेरे पे, मैं इसको बाहर जाने का बोल रहा था, डैडी से डरता है सिर्फ। हाँ वो देखो, चलो बोलो ना, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो जाओ। इसको बाहर लेके जाओ, देखना अब अम्मा की भी आवाज आएगी, इसको वैलिडेशन मिल गई, चलो बाहर, चलो
तो बेसिकली गाइस ये इसके होता है ड्रामे। तो ये अपने को कुत्ता नहीं समझता, ये अपने आप को ह्यूमन समझता है, ये इंसान समझता है। जो टेरेस का हाल किया वो दिखा देना था, वो भी दिखाओ, दिखा देते हैं आपको। और इतनी अच्छी उसने सफाई की थी, ऐसा चमकाया था इसने भी तो सफाई की अभी। हाँ, इसने तो सफाई, किसने बोला था वो बाहर रखने, पता नहीं हमारा बक्कू पूरा कचरा अम्मा ने बाहर रख दिया। मैंने नहीं रखा, अम्मा ही दिखाएगी, ये दिखाएगा खुद इसने क्या किया। कचरा रख दिया, वो भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, मेरा काम है उसने किया, होगा कि सुबह रख दूंगी। इसने तो खूब अच्छे से चलो चलो एक मिनट, वो स्मेल भी आ रही है, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। हाँ मिल गई, पूरे महीने की लेनी थी ना। सीक्रेट सीक्रेट तो वो है ना, हम ना की सारी नहीं मिली, नहीं अभी नहीं मिली, दो फार्मेसिस्ट वो मारूफ है फिर। अच्छा वो जो बैंडेज मिल गई उसकी, उसके जो पेपर पे लिखी हुई थी ना, वो दो तीन दवाइयां वो मिल गई, बाकी नहीं मिली। अम्मा उमा सर पीता दोनों को खिला दे, नहीं उमा सर पीता बस, हां और बाकी चाय में अम्मा वो जो उमा सर पीता बस, करे के शायद कुछ और होगा। क्या क्या लिख रहा है, सैंडविच ले था। अच्छा अम्मा इसको इसके साथ खाए ना, कच्चा कच्चा लग रहा है, तो चने का ही तो पेस्ट होता है, गंदा है ना, अच्छा नहीं है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ खा के। अम्मा रबी लेवल की नियाज किसने बांटी, किसने बांटी मुझे, तुम कह के चले गए, मैं इंतजार करती रही, फिर वो आसिफ आया उसको मैंने दी कि तुम जाके बांट के आओ, लेट हो गए थे कुछ ज्यादा ही लेट हो गए थे। बाय बाय, और आप लोगों के इंतजार में, चलो बाय बाय। बहू की आज वाली वीडियो ना, वही तो सबसे काम की है, वो देखे। ऐसी सपोर्टिव सास मिलेगी आपको कहीं हैं, जितना हाइप अप करे अपनी बहू को। ओके बाय बाय, चले गाइस आपसे मुलाकात होती अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।